चालू है। हाँ वेलकम बैक टू आवर चैनल गीत एंड प्राची व्लॉग। और आज हम आए हैं जतिन के यहाँ, आप बहुत दिनों के बाद, वो एक्चुअली घर गया होगा तो हम उसके यहाँ आए हैं। और मैंने सामान ले लिया है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अभी अभी नहीं, घर जाकर, ठीक है? तो मैं इतनी ऊपर बाबू से मिलवाऊंगी। आ गए हम इसके घर फाइनली आफ्टर 15-20 डेज। जो शक्ल आपको रोज दिखती थी वो आज बहुत दिनों बाद दिखी है। और अभी हाँ, और दिवाली दिवाली पे साथ चलेंगे और हम कितनी खुश है, कितना खुश है ये लड़का। ठीक है ठीक है, यही है, यही दोस्ती, यही प्यार। दोस्ती सही है एक्चुअली, ये यही इसका प्यार और यही इसकी दोस्ती। मेरे से ऐसे कोई मतलब नहीं है। सौतन कभी सहेली। सखी सहेली। गाइस पहली बार लाइफ में ऐसा हुआ है कि मेरे से चाबी छूट गई है कहीं, अभी वो ढूंढने जा रहे हैं, शायद वही वाली शॉप पे छूटी है जहाँ से लिया था ये सामान। पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। हम आ गए घर और चाबी कहाँ मिली? वही शॉप पे, मुझे याद था कि मैंने रखी थी, वो एक्चुअली सामान ज्यादा होने के चक्कर में वो हो गया। बस ऐसा नहीं था कि मैं भूल गई थी मैंने चाबी कहाँ रखी है, मेरे को याद था भूल के रख गई थी, भूल के रख के आई थी, मूवमेंट संभाल के रख के आई, सॉरी ब्रेन फॉग हो जाता, संभाल के रख के आई थी, संभाल नहीं, बट हाँ ये मेरे देख रहे हैं लापरवाही का नतीजा। तो गाइस आ गए हैं हम लोग घर और ले आए हैं हम सामान। तो ये देखिए, ये मैं लेके आई रेड रेड, एवरीथिंग इज रेड, आई एम गोइंग टू वेयर रेड रेड। ये है, उसके बाद वही सारा सामान, बस मेहंदी है, मेहंदी लगाऊंगी मैं कल। अब हम लोग खाएंगे खाना और फिर मिलते हैं खाना खाने के बाद, या फिर खाते बिग बॉस दोनों वाला भी खत्म हो गया, दूसरा एपिसोड भी, दूसरा एपिसोड नहीं दो बार आता है, दूसरी बार खत्म होने वाला है, मैं देख रही हूं ना, 10 मिनट बाकी हैं, खाना खाने खाने देखेंगे ना, बाय, ये प्यार खाना खाने खाने देखेंगे, किन प्यार हो गया, बाय, निकल पतली गली से निकल, पी टाउन ब्रो, पी टाउन। नहीं नहीं मैं कोई फैन नहीं हूँ किसकी, एमसी स्टैन की फैन नहीं हूँ मैं, मतलब ही इज अ गुड पर्सन बिग बॉस में। मैं पी टाउन बार बार कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं किसी की फैन हूँ, इट्स लाइक वो कर रहे हैं तो मेरे को मजा आ रहा है, पी टाउन ब्रो, पी टाउन। पी टाउन मतलब क्या? आई हैव नो क्लू पी टाउन का मतलब क्या। अच्छा वो पुणे का है क्या? अरे ना दसो मत यार, मेरा भी बी टाउन है और तुम्हारा भी पी टाउन है, दोनों का दोनों दोनों टाउन है, ठीक है, मतलब तुम्हारा पी टाउन नहीं है ना, मेरा बी टाउन पी टाउन दोनों, नहीं नहीं आज इसने बोल दिया ना, आज तुमने बोल दिया गीत तिवारी, नो नो घुटना मेरा दौड़ता है ना तो लोगों के दिमाग से उतर जाएगा, पता है आप लोगों को जब एग्जाम हुआ करते थे हम लोगों के, तो मैं सुबह मतलब मैं पढ़ती थी तो मैं ऐसे घुटने ऊपर करके, नहीं ऐसे ऐसे पढ़ते हैं अपन लोग, तो मैं वैसे पढ़ती थी, तो जब मेरे घुटने दर्द होने लगते थे तो पापा ही बोलते थे हाँ हाँ बुद्धि ज्यादा लगा ली होगी ना, गीत व्हाट आर यू डूइंग यार, व्हाट आर यू डूइंग, लेटा हूं
What is your problem? Why are you doing such things? डकार वकार पिछले ब्लॉग में भी तुमने डकार लिया था. It's a natural things, baby. It's a natural things, but ऐसे तुम ब्लॉग चलते में सब कर लो तो. और कुछ करना है? सुपोर्टी वगैरह whatever. अगर natural है अगर ऐसा हमारे situations हैं बाहर तो करेंगे ब्लॉग में और क्या दिक्कत? छी यार. It should be natural. Literally. तो गाइस गीत को फ़ोन चलाने से फुर्सत नहीं है और अब हम लोग सो रहे हैं. कैमोमाइल टी पी ली थी मैंने, गीत ने आज नहीं पी तो तो हम सो रहे हैं. आपको मिलते हैं कल सुबह. ओके बाय, गुड नाइट, टाटा. हाय गाइस, बहुत दिन दिक्कत. हाय गाइस, फंबल नहीं कहते हैं इसको, सुबह की आवाज कहते हैं जो थोड़ी सी हैवी हो जाती है. हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल. हाय गाइस, वेलकम बैक. क्यों कल रात से तो शुरू कर दिया था व्लॉग? हे पिक मी वीक में पिक क्यों जब 50,000 है कर सकते हैं. हाय गाइस, हेलो सर, वेलकम बैक टू आवर चैनल. मुझसे बात तो मैं तो मुझसे लड़ाई करनी है बस. मेरा सही है कैमरा बना ली जल्दी मेरी. हाँ, ये सिर्फ उनसे लड़ता रहता है और कुछ नहीं. तो हम लोग उठ गए हैं और मेरे को पता है लाइफ का सबसे बड़ा गिल्ट क्या होता है, जब आप मेकअप करके सो जाते हो रात में और जब सुबह उठते हो तो बहुत गंदी गिल्ट ट्रिप होती है, जो कि मेरे साथ आज हुई. कल रात को मैं मेकअप करी हुई थी और मतलब हल्का सा ही था, लेकिन वो होता है ना कि थकान हो रही थी और मेरे को मतलब आलस आ रही थी बेसिकली. तो मैं ऐसी सो गई और फिर जब मैं सुबह उठी तो मेरे को गिल्ट हो गई. लेकिन ठीक है, अभी मैं वॉश कर ले. हालांकि लिपस्टिक देखो आप, ये लिपस्टिक जो है एकदम सुपर स्टे, मेबलिन सुपर स्टे. तो ये ऐसी लिपस्टिक है कि आप सो जाओ, आप खा लो, आप कुछ भी करो, आपकी लिपस्टिक नहीं छूटने वाली. तो अगर आप लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक चाहते हैं तो मेबलिन सुपर स्टे. मैंने पंखा बंद किया था बट हुआ क्यों नहीं? मैं क्या बंद कर आई? पता नहीं क्या बंद करते हैं. ये रहा गीत और हम लोग, मैं खाऊंगी ये बहुत टेस्टी टेस्टी बिस्किट्स है. ये कुकीज़ है, हैंडमेड बिस्किट्स और नमकीन और ड्राई फ्रूट्स और कॉफ़ी. मिलवा देती हूँ गीत से. हाय राजी ने बोला मैं तेज बोलूं. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. क्या कर रहे हो? रिप्लाई कुछ बोलते ही नहीं हूँ मैं, अकेले ब्लॉग करती हूँ. ब्लैक कॉफी पी लो. बहुत टेस्टी है. हाय गाइस, तो मैंने फेस वॉश कर लिया है, क्लीनिंग घर की हो गई है और अब मैं जाऊंगी नहाने. मैंने थोड़ा बहुत लाइक ये ब्लैक हेड्स वगैरह निकाले हैं इसलिए मेरी नाक लाल लग रही होगी आप लोगों को. तो आज जो मैं कुछ तो स्किन केयर करूँगी, क्योंकि ऑब्वियसली रात भर मेकअप लगाने से थोड़ा बहुत स्किन वो हुई होगी ख़राब. और तो हम दोनों नहा चुके थे, पूजा भी हो गई थी, थोड़ा मैं एडिट वेडिट करने लगी थी और अब हम खा रहे हैं खाना. ये लगा रही है मेहंदी से. मैं लगा रही हूँ और पता है ये मेहंदी की कौन गीली है, तो ये मत देखो, इतनी कोई सुंदर नहीं है. रचने के बाद दिखाऊंगी क्योंकि गीली है यार मैं जो लेके आई हूँ और रच जाए बस. पता है ना, बोलो बोलो जाओ. ठीक है जाओ. हो गया, मैं मेहंदी लगा के दिखाती हूँ. One eternity later. और हाँ, आज के लिए अरे यार पंखा. तो गाइस लग गई है मेरी मेहंदी, ये है. एक्चुअली मेहंदी की कोन थोड़ी सी गीली थी तो मेरी मेहंदी थोड़ी मोटी मोटी लगी है. तो मेरी मेहंदी थोड़ी मोटी मोटी लगी है और दूसरे हाथ में मुझे मेहंदी गीत लगाएगा, क्योंकि मुझसे इस हाथ में बनेगी नहीं और कोई है नहीं जो लगा पाए.
तो ऐसा है, और आई थिंक आई विल एंड दिस व्लॉग हियर, और हम आपको मिलते हैं कल. तब तक के लिए गुड नाइट, शबा खैर, शुभ रात्रि.